यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं, पत्रकार छत्रपति हत्या का ये मामला है, ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंचकुला से पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या का मामला है और मामले में सीबीआई की विशेष कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पत्रकार छत्रपति की हत्या का मामला है और पूर्व ड्राइवर खट्टा सिंह की सीबीआई कोर्ट में आज पेशी होनी थी और सुनवाई शुरू हो चुकी है। मामले में अगली सुनवाई जो है वो 8 मई को होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए शशि अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गई हैं। शशि, आज सुनवाई हो रही है? बिल्कुल कीर्ति, जिस तरीके से डेरा प्रमुख राम रहीम पर चल रहे जो रंजीत हत्या मामला है, उसकी आज पंचकुला स्थित जो हरियाणा की सीबीआई कोर्ट है उसमें सुनवाई थी। इस दौरान है जो हाईकोर्ट ने ऑर्डर किए थे कि इसमें जो खट्टा सिंह की जो गवाही करवा सकते हैं पंचकुला में, तो आज उनको गवाही के लिए बुलाया गया था। खट्टा सिंह पहुंचे थे। आज इसमें जो बहस, फाइनल बहस जो जारी रही है और मामले की जो अगली तारीख है 8 मई निर्धारित की गई है। जी शशि, आज की सुनवाई में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ गवाह दिए गए हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कीर्ति कोर्ट के अंदर का मामला है, खट्टा सिंह ने अपने कुछ बयान दर्ज कराए, क्या बयान दर्ज कराए कुछ देर में इसका खुलासा हो पाएगा। और अगली जो डेट 8 मई की निर्धारित की गई उसमें भी खट्टा सिंह दोबारा से अपने जो है बयान दर्ज करवाएंगे। जी शशि, तो अगली सुनवाई कब होनी है? कीर्ति, जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि मामले में जो अगली सुनवाई की तिथि 8 मई निर्धारित की गई है उसमें खट्टा सिंह को फिर से बुलाया गया। खट्टा सिंह अपने कुछ और बयान उस दिन भी दर्ज करवाएंगे, क्या वो अपने बयान देते हैं या पहले की तरह ही वो अपने बयानों से पलटते, ये देखने वाली बात इसमें रहेगी। अरोड़ा, तमाम जानकारी के लिए तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो यहाँ पर बड़ी खबर आपको पंचकुला से बता रहे हैं, पत्रकार छत्रपति हत्या का मामला है जहाँ पर आज सीबीआई की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई है और अगली सुनवाई 8 मई को होने वाली है और पूर्व ड्राइवर खट्टा सिंह की सीबीआई कोर्ट में गवाही जो है वो खत्म हो गई है और अगली सुनवाई जो है वो 8 मई को होगी।